जी मेडिकल साइंस को आज तक यही नहीं पता है कि कोई प्रेत होता है। पहली बात तो वो उसको नकारता है और हंसता है, लेकिन अगर वो शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट पर एक एक वीडियो, हमारा जो शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट के नाम से जो ऑफिशियल चैनल है उस पर एक एक वीडियो देखे, तो मेरे ख्याल से चिकित्सा जगत को कुछ तो शर्म आएगी और वो अपनी खोज को और आगे बढ़ाएगा इस दायरे के लिए कि हमें जो है हमारी पूर्ति हो जाए और लोगों को स्वास्थ्य मिले, शीघ्र ही स्वास्थ्य मिले, और उस खोज में हम उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। या फिर वो डॉक्टर ही खुद आमंत्रित करे, दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल मुझे आमंत्रित करे और ये बताए कि एक साथ उसके यहाँ इतने रोगी हैं, इतने मरीज हैं, और मैं 3 दिन तक उस पर रिसर्च करूंगा और वो खुद ही देख लेंगे कि लोगों के रोगों में कितनी उन्नति आती है, ठीक होती है। जय श्री राम। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं डॉक्टर्स को एक बार को कि दवाइयों के इलाज नाम करके वैदिक मंत्रों से होगा, आप बेहतर उनको जल्दी सही कर सकते हैं। मैं ये चैलेंज नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टरों को एक सच्चाई जाननी पड़ेगी, कुपित वायु की कुपित वायु भी रहती है। अगर वो इलाज करते हैं तो इलाज हम भी करते हैं, लेकिन हम एक दायरे में इलाज करते हैं, हम मंत्र औषधि से इलाज करते हैं, मंत्र चिकित्सा से करते हैं। हम केवल प्रेत और पितृदोष निकालते हैं, ना किसी को नौकरी देते, ना किसी की हाइट बढ़ाते और ना किसी का कोई ऐसा कार्य करते कुछ जिसको आप लोग लेके आते हैं। कई बार कोई नौकरी के लिए आता है, कोई हाइट बढ़ाने के लिए आता है, कोई सीधा कैंसर के लिए आता है, तो हम उन रोगों का इलाज नहीं करते। हम केवल प्रेत और पितृ के तत्वों को आपके शरीर से निकालते हैं, और अगर उसके कारण डॉक्टर आपको बता रहे आपके पेट में गांठ है तो हम हाथ लगा के तुरंत करके दिखाते हैं। अगर आपको गांठ होगी तो हम खुद ही कहेंगे आपको डॉक्टर के पास जाना है, अगर नहीं होगी तो हम नहीं कहेंगे, फिर हम करके दिखाएंगे कि आपकी निकाल दी है हमने, और आपको आराम पड़ता है, उसी समय आप बेहतर महसूस करते हैं, उसी समय आप देख पाते हैं कि जिस गांठ में इतना दर्द था जिसके कारण आप डॉक्टर के गए, हम पेट में घुसा मार के दिखाते हैं कि आपको आप बताइए दर्द कहाँ है, और वो दर्द ढूंढते रह जाते हैं। तो ये वीडियो अगर आप हमारी देखेंगे ऑफिशियल चैनल पे शनिधाम मनु भैया जी ट्रस्ट पे, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में मनु भैया जो दावा करते हैं वो करके दिखाते हैं। और एक बात, मनु भैया सत्य बोलते हैं, जो भी आज तक मैंने दावा किया है वो करके दिखाया है। करके दिखाने के लिए मैं हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं उनको ललकारने के लिए नहीं, मैं उनको ये बताने के लिए तैयार हूँ पहले स्वास्थ्य हो सकता था, उसको पहले स्वास्थ्य मिल जाता, लेकिन एक गलती के कारण कि हमारे ये ना जानने के कारण कि कहीं कुपित वायु होती है, प्रेत और पितृ दोष भी होता है, ये ना जानने के कारण हमारे इसका रोग बढ़ गया है और ये लंबे समय से दवाई दे रहा है और इसको कोई आराम पड़ नहीं रहा है, क्योंकि डॉक्टर जब तक रिसर्च करता है कि ये आदमी ठीक नहीं हो रहा तब तक वो आदमी ही खुद डॉक्टर का हॉस्पिटल ही बदलता रहता है। मुझे ये बताइए कि प्रेत और पितर की आप बात कर रहे हैं, तो आप मानते हैं कि जो इंसान को बीमारी होती है वो दरअसल बीमारी ना होकर इन वजहों से होती है और उसका इलाज प्रेत और पितर का इलाज होना चाहिए? अगर उसका इलाज हो जाता है तो जो तमाम बीमारियां हैं, कैंसर, पेट में दर्द, अल्सर, तमाम चीज़ें, सिर में दर्द या कई बार शरीर पर खालिश, ये सब प्रेत और पितर के इलाज करने से ही दूर होता है। मेडिकल साइंस जी बाद में, मेडिकल साइंस जो है हमारे लिए एक बहुत कारगर जो है विधि है, लेकिन वो विधि तभी कामयाब है जब हम भगवान का नाम पहले लें, घर पे बैठ के आँख बंद करके कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया का ओम नमः शिवाय ओम का मात्र 15 मिनट तक जाप करे आँख बंद करके, वो भी मानसिक पिछले, अगर उसके शरीर में आंदोलन होता है, उसके दर्द बढ़ जाते हैं, उसके कष्ट बढ़ जाते हैं, उसके कंधे भारी हो जाते हैं, उसको उबासियाँ आने लगती है, और या फिर उसके दर्द एकदम से घटने लग जाते हैं, वो जिस स्थिति में था वो स्थिति बिगड़ जाती है या फिर वो स्थिति संभल जाती है, तो वो समझे कि मुझे डॉक्टर की कोई भी बीमारी नहीं है। तो चाहे फिर उसको कैंसर ठीक हुआ हो, क्योंकि मैं यहाँ एक लड़की को अभी 2 घंटे के अंदर बुला सकता हूँ जिसको डॉक्टर ने कैंसर बताया, जब वो यहाँ कुपित वायु से ठीक होने लगी फिर डॉक्टरों ने उसको टीबी बताया, जब वो उससे भी ठीक होने लगी तब डॉक्टरों ने उसको कह दिया हम आपको कुछ भी नहीं है, तो कि आपने कैंसर का इलाज किया मान सकते हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने कैंसर बताया। लेकिन आज तक कैंसर के मेरे पास 2 ही मरीज ठीक हुए, सारे तो नहीं हुए, क्यों? क्योंकि मनु भैया कैंसर का इलाज नहीं करते, प्रेत और पितृ को लेकर ही, यानी कि कुपित वायु को लेकर ही इलाज करते हैं, जो हमारी वैदिक परंपरा है। मैं डॉक्टरों के सामने विपक्ष में नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि लोग डॉक्टरों पर भरोसा करें, लेकिन एक हद तक, और जब वो लूटने ठगने लग जाए तब, अगर उसके 40 लाख रुपए कहीं जा रहे हैं, 15 लाख रुपए कहीं जा रहे हैं और 15 साल से वो माइग्रेन का इलाज करा रहा है, अगर ठीक नहीं हो रहा तब तो डॉक्टर को भी सोचना चाहिए ना, इसका मतलब कुछ हमारे से बाकी रहता है। अच्छा, कितने दिनों में आप सही कर लेते हैं? क्योंकि आपका 8 बार कम से कम आप लोगों को बुलाते हैं, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो कितना होती है, वो 8 बार कितने दिनों में कंप्लीट? एक ही बुखार है, वो किसी का पैरासीटामोल टेबलेट से एक से चला जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने बता सकता है कि इसका 1 बार की खुराक में चला जाएगा, इसका 5 बार की खुराक में चला जाएगा, इसका 25 बार की खुराक में चला जाएगा। तो आपको चाहिए कि उसके इलाज को बेहतर करने के लिए आप कम से कम 8 बार ना बुलाते हो,
उसके बाद भी जिन लोगों को भारी समस्या है, क्योंकि ये तंत्र क्रिया होती है और तंत्र क्रिया कई बार इतनी भारी होती है कि कुछ लोगों की 2 साल में जाती है, कुछ लोगों को 3-4 साल भी लग जाते हैं। कोई लोग किसी दरगाह पे 20 साल से पड़ा हुआ है, किसी मंदिर पे 20 साल से पड़ा हुआ है, लेकिन मनु भैया के यहाँ सबसे कम समय क्यों लगता है कि यहाँ आप अपनी चिकित्सा तो करते ही है, मनु भैया भी आपके लिए मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं। और एक बात, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आपकी चिकित्सा करता हूँ तो आप उसमें सर्वोपरि हैं, क्योंकि आप सबसे पहले अपनी चिकित्सा खुद करते हैं। जब आप भगवान के नाम से जुड़ते हैं तभी से आपकी चिकित्सा चालू हो जाती है, क्योंकि ईश्वर का नाम सर्वोपरि है। अंततः डॉक्टर भी कहते हैं कि आप ईश्वर की शरण में जाइए, अब उनसे प्रार्थना कीजिए। तो इसलिए मंत्र चिकित्सा जो है वो सर्वोपरि। जय श्री सामग्री जो है और ये हवन कुंड, तो आप किस तरीके से मंत्रोच्चार करते हैं, क्या मंत्र होता है और क्या जो बीमार जो होता है, जिसकी जो परेशानी होती है, कष्ट होते हैं, उन लोगों को भी अपने साथ बैठाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सैकड़ों में संख्या, यहाँ तकरीबन शनिवार एतवार को 2,500 लोग आते हैं, और इसके अलावा प्रत्येक दिन कम से कम 500 परिवार यहाँ पे आते हैं, जो 1500 की संख्या में आते हैं या 1000 लोगों की संख्या में, 1200 लोगों की संख्या में आते हैं। मेरे से कौन व्यक्ति ऐसा है जो अभी तक सामने आमने सामने नहीं मिला है? जो आमने सामने मिले हैं मुझसे बात किया वो हाथ उठाए जाए, जो मुझसे आमने सामने मिले हैं मुझसे बात किया वो दोनों हाथ उठा ले, जो दूसरी बार आए हैं आज उनसे तो बात होगी, लेकिन जो हमेशा यहाँ आते हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति से मैं मिलता हूँ, इसका मतलब ये है चाहे कितने भी व्यक्ति यहाँ पर आए, और बहुतों की मैं उनमें समस्या बहुत गंभीरता से जान लेता हूँ, और ये भी जान लेता हूँ कि उनको हमारी समस्या है कि डॉक्टर की, तो सबसे पहले मैं अपनी समस्या दूर करता हूँ, उसके बाद इनको डॉक्टरों के पास भी भेजता हूँ, ऐसी बात। इलाज का तरीका क्या होता है, किस तरीके से आप इलाज का तरीका? वही वैदिक मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम पुराणोक्त मंत्र है, ठीक है, ओम सम श्रेष्ठाय नमः, ओम वे ही मंत्र है जो हम आज तक जपते आए हैं अपने भगवान के लिए, अपने देवता के लिए, ओम तुम दुर्गाय नमः, ओम ये ही मंत्र है। केवल न्यास विधि अलग है कि मैं न्यास करके उन मंत्रों के ऊपर आपके ऊपर से जब ये उतारा करता हूँ, जैसे ही सामग्री डालता हूँ आपके दर्द कम हो जाते हैं, और मैं प्रत्येक क्रिया करके दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो आपका कहना है कि जो पीड़ित होता है, जिसको बीमारी होती है या जो परेशानी को लेकर आता है, आप उसके ऊपर ये उसको घुमाते हैं, उसकी परेशानियाँ दूर होनी चाहिए। जी, ये हमारी नीति है पहले से ही, हमारी माताएं हमारे ऊपर से 1,000 रुपये बांटती थी, 10 रुपये बांटती थी, इसके अलावा लाल मिर्च वारती है, इसके अलावा एक बाती वारती है, तो ये हमारा नजर दोष इससे दूर होता था। कई मायनों में कुपित वायु भी उससे दूर हो जाती है, किसी किसी को उसी क्षण कुपित वायु ने घेरा है, प्रेत आदि पित्र आदि ने घेरा है, तो वो उसी क्षण निकल जाती है, इससे बहुत आराम मिलते हैं, लाभ मिलते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो आज प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, कभी ना कभी उनकी माता ने भी उनके ऊपर से उतारा किया होगा, आपकी माता ने भी आपके ऊपर से उतारा किया होगा, तो ये उतारा जो होता है ये हमारे विकास में। इसके अलावा हम एक दीप जलवाते हैं जो देवता को सीधा सीधा भोग के रखे जाते हैं। आवाज ना करो भाई, आवाज मत करो, उससे भी हमारी समस्या बहुत हल होती है। ये मानिए कि जितने भी भारतवर्ष में स्किन के रोग है, रोगी हैं, अगर वो रोगी रोजाना तेल मर्दन करें और इस तरह से दीपदान करें तो 40% रोग खत्म हो सकते हैं, पूर्णतः जड़ से जो डॉक्टरों से स्किन के रोग खत्म नहीं हो रहे। यहाँ भी कई लोग ऐसे बैठे हैं कि जिनका डॉक्टर से स्किन का रोग जा नहीं रहा था और यहाँ पर आते ही उनको आराम पड़ गया। इसके पीछे कारण यही है कि आप एक सत्ता है उसको मान नहीं रहे, अगर नहीं मानेंगे तो मनु भैया दुनिया के सबसे बड़े चमत्कारी होते हैं, क्योंकि जो चमत्कार यहाँ होते हैं वो फिर इसलिए होते हैं क्योंकि आपने उसकी सत्ता तो ग्रहण नहीं की। जैसे कोई जादू दिखाता है, अगर उसके जादू का मूल आपको पता चल जाए तो आपको जादू का रस खत्म हो जाता है, लेकिन अगर तो जैसे तब तक आप लोग चमत्कार मानेंगे जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, आप ये मान रहे हैं, आपकी दृढ़ भावना ये है, लेकिन जब वो होते हैं जब इस बात में आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कोई चमत्कार नहीं है, वो आपके पेट में बैठा था वहाँ दर्द कर रहा था, आपको निकाल दिया खत्म हो गया, आपके हृदय पर वो घबराहट कर रहा था आपने वहाँ से निकाल दिया, डॉक्टर ने उसके लिए स्टंट डाल दिया फिर भी घबराहट हो रही है, 3 स्टंट डाल चुका है, 5 स्टंट डाल दिए फिर भी घबराहट हो रही है, लेकिन जैसे ही आपने अपने यहाँ पर आकर वैदिक इलाज कराया तो आपसे घबराहट बंद, आपका स्टंट बंद और आपको जो दर्द रहता था जो घबराहट रहती थी। ये जितने भी शरीर है ये जीव भूत है, हम इन्हीं को भूत कह सकते हैं, ये पंचभूत है, यानी ये तो शरीर है भाई जी का, ये ही पंचभूत है, ये पंच महाभूत है और इसके अंदर एक जीवात्मा है, इसलिए भगवान अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं कि इन सब जीव भूतों के हृदय में मैं रहता हूँ, हम भूत नहीं निकालते, हम प्रेत और पितृदोष ही दूर। प्रेत की अगर आप बात कर रहे हैं, क्या ऐसे लोग भी आए हैं जिनका कहना होता है कि भाई हमारे ऊपर प्रेत आ गया है और वो तमाम तरीके के, हम लोगों ने वीडियो देखे, क्या उस तरीके के भी प्रेत लोग आए हैं जिनका आपने इलाज किया? आप दरअसल यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक जो है ना विज्ञान में इलाज है, वैज्ञानिक विधि है,
आपने अभी तक किसी का सर हिलते नहीं दिखा, क्योंकि आप जब उसके बारे में पूछेंगे, गहनता से पूछेंगे, तो आप देखेंगे कि मनु भैया ने वाकई में कोई रिसर्च की है। मनु भैया 20 साल हो गए यही काम करते करते, तो हमने प्रेत को जाना है कि आखिरकार एक महिला का सर क्यों घूमता है, क्यों उसकी हाजिरी आती है, और क्या उसी को प्रेत बोलते हैं? नहीं, एक बिंदु मात्र प्रेत होता है, वो किसी के मन बुद्धि पर कब्जा कर लेता है, किसी के वो शरीर में कहीं कहीं किसी अंग पर कब्जा करता है, वहां जाके बैठता है, वहां अपनी जगह बनाता है, इस तरह से वो आपके शरीर में रुक जाता है, ठहर जाता है। वो बिंदु मात्र जो आपके मस्तक का एक तिल भी हो सकता है, आपके गाल का भी एक तिल हो सकता है, बस इतना रहता है, और उसकी जो ऊर्जा है वो निगेटिव है, और उसकी जो क्रोध है वो निगेटिव है। इसके अलावा निगेटिविटी इस संसार में और कुछ है ही नहीं। जो आप सोचते हैं उसको निगेटिव थॉट आ रहे हैं, वो भी ज्यादातर उन्हीं कार्यों से आते हैं, उन्हीं चीजों से आते हैं। तो इसके अलावा संसार में निगेटिविटी है नहीं, और इस निगेटिविटी के दर्द से जो बाहर आ जाता है वो अपने आप पॉजिटिव हो जाता है, वो अपने आप आ जाता है। हाँ, वो निगेटिविटी है, वो एकमात्र जो सामने बैठ बैठी है उसकी जो माथे की बिंदी है वो उसका उतना सही अंश है। एक आत्मा है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, हम वासना सहित हम किसी उस रूप में घूमते हैं। जब हमारे अंदर वासना क्षय नहीं होती तब हम इस पृथ्वी लोक पर ही रह जाते हैं, प्रेत रूप में, पितृ रूप में। अगर वासनाएं क्षय हो जाती है तो हम ऊपर चले जाते हैं। वास्तव में पितृलोक भी ऊपर है, लेकिन जिसको आप प्रेत कह रहे हैं वो किसी ना किसी के घर का है, इसलिए वो किसी का ना किसी का तो पितृ है ही, तो प्रेत ही पितृ है, मैं ये संबोधित करके कहता हूँ। मेरे लिए एक बड़ा अहम सवाल ये भी है कि तमाम जो दूसरे लोग हैं इलाज के नाम पर आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे, यहाँ पर जो लोग भक्त आते हैं, जो आपसे इलाज कराने आते हैं, क्या उनसे कुछ दिया जाता है, सामग्री वगैरह खर्चा? देखिए, ये सामग्री जो है ये सामने की दुकान से ली जाती है, और मैं इसका एक रुपया भी अपने पास नहीं रखता हूँ, ना मुझे चाहिए किसी भी रूप में। मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और जगत की सेवा भी यही है। मैं चाहता भी नहीं कि इसका ऐसे कि भाई टीवी पे दिखाया जाएगा मनु भैया सेवा कर रहे हैं तो मेरी सेवा का जो फल है वो आधा रह जाएगा, ठीक है ना, मैं तो चाहता भी नहीं। लेकिन भगवान जो है, ध्रुव कहता है भगवान को कि प्रभु मुझे कोई वर मत देना, बस मुझे अपना साथ देना, क्योंकि वर तो मैं राजा पहले से ही हूँ, और अगर मैं राजयोग करूँगा तो मुझे तो लोभ ही लगेगा, और ये राजयोग जो है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इन भोगों में और इन लिप्साओं में सारी दुनिया भरी पड़ी, अंततः तो इस संसार से खाली हाथ ही जाना है। तो आज ही अपनी तैयारी करें, और सबसे बड़ी बात, मैं आते ही इन सबको सबसे पहले आप पूछेंगे इनसे, तो तकरीबन हर दूसरे दिन बैठ के एक घंटे तक लगातार आत्मा के विषय में ही समझाता हूँ, आत्म विषयक ही इनको बताता हूँ। जय श्री